नमस्कार, स्वागत है आपका भारत लाइव में। देश भर में हो रहे अपराध का ब्यौरा रखने वाली सरकारी एजेंसी नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की ताजा रिपोर्ट ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के दावों की हवा निकाल दी है। नीतीश लगातार ये दावा करते थे कि शराबबंदी के बाद बिहार में अपराध में भारी कमी आई है, लेकिन हाल ये है कि 2016 में शराबबंदी के बाद हर साल बिहार में मर्डर, रेप और लूट से लेकर दूसरी आपराधिक घटनाओं में बेतहाशा इजाफा हुआ है। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो ने साल 2018 में हुई आपराधिक घटनाओं का ब्यौरा जारी किया है। इस रिपोर्ट में 2016 से लेकर 2018 तक का आंकड़ा शामिल है। नीतीश कुमार ने 2016 में ही बिहार में शराबबंदी लागू किया था और तब से सारा सरकारी अमला ये ऐलान करने लगा था कि शराब बंद होने से अपराध बंद हो गया है, लेकिन हकीकत कुछ और ही है। 2016 से लेकर अब तक बिहार में आपराधिक घटनाओं में लगातार वृद्धि होती जा रही है। बिहार में साल 2016 में 1,64,163 आपराधिक वारदातें हुई थी। 2017 में ये आंकड़ा बढ़कर 1,80,573 हो गया था। 2018 में ये संख्या में और बढ़ी। सूबे में अपराध की कुल 1,96,911 घटनाएं दर्ज की गई, यानी शराबबंदी के बाद बिहार में हर साल अपराध की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यह अलग बात है कि नीतीश कुमार शराबबंदी से अपराध में कमी आने का लगातार दावा कर रहे हैं। नीतीश कुमार शराबबंदी से महिलाओं की सुरक्षा का भी दावा कर रहे हैं, लेकिन आंकड़े उनके दावों को पूरी तरह से गलत बता रहे हैं। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक राज्य में महिलाओं के खिलाफ अपराध की ताबड़तोड़ वृद्धि हुई है। 2016 में बिहार में महिलाओं पर अत्याचार के कुल 13,400 मामले दर्ज किए गए थे। 2016 में इसकी तादाद बढ़कर 14,711 हो गई। 2018 में महिलाओं पर अत्याचार के मामले और बढ़ गए। इस साल महिलाओं के उत्पीड़न की 16,920 घटनाएं हुई। NCRB की रिपोर्ट नीतीश कुमार के हर दावों की पोल खोल रही है। बिहार में पिछले 3 सालों में मर्डर, किडनैपिंग, बच्चों पर जुल्म से लेकर दलित अत्याचार की घटनाएं हर साल बढ़ती जा रही हैं। शराबबंदी का कहीं कोई असर नहीं दिख रहा है। हाँ, अपराध जरूर बढ़ गए हैं। NCRB के आंकड़े बताते हैं कि 2016 में शराबबंदी के बाद बिहार में मर्डर की घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। 2016 में बिहार में 2,581 लोगों की हत्या हुई थी। 2017 में 2,803 लोग का मर्डर किया गया। 2018 में यह आंकड़ा और बढ़ गया। अपराधियों ने इस साल 2,924 लोगों की हत्या कर दी। किडनैपिंग की घटनाओं में भी हर साल वृद्धि होती जा रही है। NCRB के आंकड़ों के मुताबिक 2018 में बिहार में किडनैपिंग यानी अपहरण के 9,935 घटनाएं हुई। इससे पहले 2017 में 8,479 लोगों का अपहरण किया गया था। 2016 में अपहरण के कुल मामलों की संख्या 7,324 थी, यानी शराबबंदी के हर साल बाद घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। यही हाल दलित उत्पीड़न और बच्चों पर जुल्म के मामले का भी है। 2016 में बिहार में दलित उत्पीड़न के कुल 5,701 मामले दर्ज किए गए थे, लेकिन 2018 में दलित उत्पीड़न की घटनाओं की संख्या बढ़कर 7,061 हो गई। बेहद चिंताजनक बात यह है कि बच्चों पर जुल्म की घटनाएं भी बढ़ती जा रही हैं। 2016 में पुलिस ने बच्चों पर जुल्म के कुल 3,932 मामले दर्ज किए थे। 2018 में इसकी तादाद लगभग दुगनी हो गई। 2018 में बच्चों पर जुल्म के 7,340 मामले दर्ज किए गए। नेशनल क्राइम रिपोर्ट ब्यूरो ने बिहार में सभी किस्म के अपराध में ताबड़तोड़ वृद्धि का आंकड़ा जारी किया है। बिहार में देश में सबसे ज्यादा दंगे के मामले हो रहे हैं। लगातार 3 साल से दंगों के मामले में बिहार देश में सबसे अव्वल राज बन रहा है। इसके बावजूद अगर नीतीश कुमार शराबबंदी से लॉ एंड ऑर्डर सुधारने का दावा कर रहे हैं तो ये आम लोगों की समझ से परे है। बाकी खबरों के लिए बने रहें हमारे साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली।
ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।